हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर थर्ड चैप्टर सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। एज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, लेट्स रीड द चैप्टर एंड वी विल डिस्कस मोर अबाउट व्हाट इज़ सेफ्टी एंड व्हाट इज़ फर्स्ट एड। ओके, सो एज वी ऑलरेडी नो दैट एक्सीडेंट्स में अकर एनी टाइम एनी वेयर विदाउट गिविंग एनी वार्निंग। ये एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो कभी भी किसी भी टाइम पे बिना किसी वार्निंग के आ जाते हैं, हो जाते हैं। वी ऑफ्टन गेट हर्ट एट होम, इन स्कूल, इन प्लेग्राउंड और ऑन द रोड। हम आमतौर पे घर पे, स्कूल पे, प्लेग्राउंड पे या फिर रोड पे हम इंजर्ड हो सकते हैं, हमारे चोट वगैरह लग सकती है। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू आर केयरलेसनेस। ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारी जो है ध्यान ना होने की वजह से होते हैं, कि हम ध्यान नहीं रख पाते, केयर नहीं करते हैं, तो इस वजह से हमारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सो वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। अगर हम ये चाहते हैं कि एक्सीडेंट्स ना हो तो हमें सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। वो सेफ्टी हम घर पे रख सकते हैं, स्कूल में रख सकते हैं, प्लेग्राउंड में रख सकते हैं। इन सभी जगह पे अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो बहुत कम एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, हम इनके ऊपर काबू पा सकते हैं। सो नाउ फर्स्ट, सेफ्टी एट होम। इन दिस फर्स्ट इज स्लिपिंग ऑन द फ्लोर। आमतौर पे अगर आप देखो कि हम कई बार फर्श पे स्लिप कर जाते हैं पानी गिरने की वजह से, या फिर कई बार ऑयल वगैरह गिरने की वजह से कुछ ऐसे गिर गया हो जिसकी वजह से चिकनाहट पैदा हो जाती है फ्लोर के ऊपर, तो हम स्लिप करके गिर जाते हैं। हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई हेल्दी पर्सन हो, जैसे कोई मोटा आदमी हो, वो अगर गिरे तो उनको ज़्यादा नुकसान होता है, उनकी जो चोट रहती है वो अंदरूनी चोट होने की वजह से कई बार बहुत लंबी देर तक उनको दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह की हेल्प लेनी पड़ती है। सो अ वेट फ्लोर, वेट यहाँ पे वेट का मतलब होता है गीला, अ वेट फ्लोर इज डेंजरस एंड कैन हार्म यू। यू मे स्लिप और फॉल ऑन द वेट फ्लोर ईजिली। अगर आप देखो कि वेट फ्लोर जो होता है वो डेंजरस होता है और हानिकारक होता है हमारे लिए, खतरनाक और हानिकारक होता है, हम उसके ऊपर स्लिप कर सकते हैं या फिर गिर भी सकते हैं। गिरने पे कई बार सीरियस इंजरीज भी आ सकती हैं। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स वी शुड फॉलो दी सेफ्टी रूल्स। फर्स्ट इज कीप द फ्लोर ड्राई। जब भी हम पोचा वगैरह लगाते हैं, या मान लो कि पानी गिर गया, बाय चांस हमसे पानी गिर गया और कोई ऐसा तेल ऑयल वगैरह गिर गया, तो हमें तभी के तभी अपना जो फ्लोर है उसे साफ़ करना चाहिए, उसे सुखा देना चाहिए, पंखे वगैरह लगा के सुखा लेना चाहिए। फ्लोर्स ऑफ किचन एंड बाथरूम शुड नॉट बी स्लिपरी। जो हमारे किचन का फ्लोर हो गया या फिर बाथरूम का फ्लोर हो गया वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हमारा पाँव जो है वो स्लिप नहीं करना चाहिए। नेवर लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर और स्टेयर्स। आपको कभी भी अपने टॉयज़ जो हैं, अगर आप छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में छोटे बच्चे हों, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो टॉयज़ जो होते हैं, हमारे जो खिलौने होते हैं, उनको कभी भी फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए। ये आप एक फिगर देख सकते हो, यहाँ पे कोई बच्चा जा रहा था और उनके पाँव के नीचे उनका टॉय आ गया, जिसकी वजह से वो स्लिप होने की वजह से वापस गिर गए। सो दैट मीन्स नेवर लीव योर टॉयज़ ऑन द फ्लोर बिकॉज यू मे ट्रिप ओवर दैम। आप ट्रिप कर सकते हो उनके ऊपर से। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फायर इन द किचन। कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फायर की वजह से हो जाते हैं। एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर इन द किचन कैन कोज सीरियस इंजरी। इनकी वजह से बहुत सीरियस इंजरीज भी हो सकती हैं। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स। हमें ये जो सेफ्टी रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। नाउ दी फर्स्ट वन इज़ इन केस ऑफ गैस लीकेज। कई बार ऐसा होता है कि घर में गैस लीक हो जाती है या फिर आस पड़ोस में कई गैस लीक हो जाती है, तो हमें हेल्प के लिए अगर हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ओपन द डोर्स एंड विंडोज टू लेट द गैस आउट। हमें गैस को आउट होने के लिए डोर एंड विंडोज़ को ओपन कर देना चाहिए, सो दैट एयर जो है गैस आउट, एयर में गैस जो है वो आउट हो जाए। डू नॉट लाइट मैच स्टिक्स और टर्न ऑन इलेक्ट्रिक स्विचेस।
एट द टाइम ऑफ गैस लीकेज। अगर गैस लीक हो रही है या फिर हो ही है थोड़ी देर पहले, तो हमें ना तो मैचस्टिक मोमबत्ती हो गया, माचिस वगैरह हो गया, या फिर कोई स्विच वगैरह हम चाहते हैं कि फ़ैन ऑन कर दें, तो ऐसा कोई काम नहीं करना। हमें पहले डोर वगैरह ओपन करके गैस को बाहर निकलने देना है, क्योंकि अगर हम स्विच वगैरह भी ऑन करते हैं तो स्पार्किंग होती है उनमें, तो उनकी वजह से भी आग लगने का खतरा रहता है। डू नॉट पिक अप एनी थिंग फ्रॉम अ बर्निंग स्टोव। हमें अगर कोई स्टोव बर्न हो रहा है, जल रहा है, तो उसके ऊपर से कोई भी चीज़ को टच नहीं करना चाहिए, उठाना नहीं चाहिए जलते हुए स्टोव से। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं और उनके स्टोव में से बर्निंग हो रही है, उसको बंद करना भी हमें बिल्कुल ध्यान से चाहिए। वैसे तो आप हमें दूर ही रहना चाहिए, अगर फिर भी आप कर रहे हो तो आपके पास कोई ऐसा बड़ा पर्सन होना चाहिए जो ध्यान रखे। कई बार हाथ वगैरह जल जाते हैं, तो हमें बर्निंग स्टोव के ऊपर से कोई भी चीज़ को पिक नहीं करना। अगर करना है तो बड़ों के सामने करेंगे। नेक्स्ट है, डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। जब भी हम किचन में काम करते हैं, हमें सिंथेटिक जो क्लोथ्स है वो नहीं पहन के रखने चाहिए। तो यहाँ पे सिंथेटिक क्लोथ्स वो क्लोथ्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं, तो ऐसे क्लोथ्स इनको आग जल्दी पकड़ती है, तो हमें ऐसे क्लोथ से बचना चाहिए। दे कैच फायर इजीली, सो वी शुड अवॉइड दैट काइंड ऑफ क्लोथ्स। नेक्स्ट इज, नेवर प्ले विद थिंग मेड अप ऑफ ग्लास। ग्लास की बनी हुई चीज़ें उनसे खेलना नहीं चाहिए, जैसे कांच हो गया, हम कई बार ग्लास वगैरह से खेलने लग जाते हैं, टूट जाते हैं, जब उनको उठाते हैं तो कांच वगैरह हाथ में लग जाते हैं, इनसे काफ़ी अच्छे और डीप कट आ जाते हैं, तो हमें इनके साथ नहीं। दी थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रिक शॉक्स। कई बार हमें घर में इलेक्ट्रिक शॉक्स भी लग सकते हैं, झटके लगते हैं बिजली के, तो उनसे बचने के लिए हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स जो हैं वो अपनाने चाहिए, लेट्स सी। नाउ द इलेक्ट्रिक अप्लायंस आर वेरी यूजफुल टू अस। इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो हैं बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारे लिए, सो बट इफ़ यू हैंडल दैम केयरलेसली, अगर हम उन्हें केयरलेसली हैंडल करते हैं, हम उनको अच्छे से ध्यान से नहीं हैंडल कर रहे हैं, तो दे कैन बी डेंजरस एंड मे गिव इलेक्ट्रिक शॉक्स। तो वो हमें हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं और हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स, बिजली के झटके भी मिल सकते हैं। टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक्स वी शुड फॉलो दी सेफ्टी रूल्स। हमें कुछ सेफ्टी रूल्स यूज़ करने चाहिए, वो जैसे कि डू नॉट टच अप्लायंस और स्विच विद द वेट हैंड्स और बोरफुट। हमें कभी भी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है इन्हें टच नहीं करना चाहिए जब हमारे हाथ हों जो वो वेट हों, वेट मतलब गीले, गीले हाथों से कभी भी स्विच वगैरह को ऑन नहीं करना चाहिए हमें। हाथ वगैरह और पाँव में चप्पल पहन के या फिर शूज वगैरह पहन के तभी हमें टच करना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज़ डू नॉट क्लोज टू द हीटर्स और टेबल फैंस व्हेन दे आर ऑन। अगर मान लो आपने हीटर जला रखे हैं घर में या फिर आप टेबल फैन के पास खड़े हो, तो आप ध्यान रखो कि उनके ज़्यादा पास भी ना जाओ, क्योंकि उनसे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है या फिर झटका वगैरह लग सकता, आपको जला सकते हैं वो। शॉक वगैरह का ध्यान रखने के लिए इनसे दूर ही रहना चाहिए हमें। टर्न ऑफ द स्विचेस बिफोर टचिंग दैम। उनको टच करने से पहले उनका स्विच जो है हमें बंद कर लेना चाहिए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज डू नॉट टच अ डैमेज्ड वायर। कई बार ऐसा होता है कि वायर डैमेज हो चुकी होती है और हम तब भी उसको यूज़ में ले रहे होते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर वायर डैमेज हो चुका है, डैमेज मतलब ख़राब हो चुका है, कहीं से टूट रहा है, तो हमें उसको रिप्लेस करना चाहिए। व्हेन समवन गेट्स इलेक्ट्रिक शॉक और यू नोटिस अ स्पार्क, टर्न ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली। आपको लगे कि किसी को झटका लगा है या फिर स्पार्किंग हो रही है, स्पार्किंग आपने देखा होगा कि बिजली की चिंगारियाँ आपको फिल्मों में बहुत अच्छे से देखने को मिल सकती हैं, बिजली की स्पार्किंग होती है, फुलझड़ी जैसे चिंगारियाँ निकलती हैं इनकी। ऐसे केस में अगर निकलती है तो हमें सबसे पहला काम क्या है कि घर का जो मेन स्विच होता है, हमारे घर के बाहर एक मेन स्विच लगा रखा होता है जिससे पूरे घर की जो बिजली है वो हम रोक सकते हैं, तो सबसे पहले उसे ऑफ़ कर देना चाहिए तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत उसे हमें बंद कर देना चाहिए, इससे जो है वो आगे डैमेज नहीं होता।
टू अवॉइड पॉइजनिंग, पॉइजनिंग का मतलब होता है कि जहर, वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स। कई बार हमारा जो खाना है वो भी जहर बन जाता है, तो ऐसी चीज़ों से कैसे बचें हम? नेवर टेक एनी मेडिसिन अनलेस योर पेरेंट्स और अ डॉक्टर गिव्स इट टू यू। हमें तब तक कोई भी ऐसी चीज़ मेडिसिन वगैरह नहीं लेनी चाहिए जब तक हमारे पेरेंट्स या फिर हमें कोई डॉक्टर उसे ना दे। हमें अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको बुखार भी है तब भी आप अपने पेरेंट्स से पूछो, डॉक्टर की सजेशन लो, तभी वो मेडिसिन लो। द नेक्स्ट वन इज़ ऑल पॉइजन्स केमिकल्स लाइक फ्लोर क्लीनर डिटर्जेंट शुड बी कैप्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। हमारे पास जितने भी फ्लोर क्लीनर होते हैं, हम बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं जो हमारे फ्लोर को, फर्श को साफ़ करते हैं, और डिटर्जेंट जैसे कि सर्फ वगैरह हो गया, कपड़े धोने का जो साबुन हो गया, वो सब भी शुड बी कैप्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। अवे, यहाँ पे अवे का मतलब होता है दूर रखना। जितने भी ऐसे केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स मतलब ऐसे तत्व जो हमारे फ्लोर क्लीन करते हैं या फिर डिटर्जेंट होते हैं, उनको बच्चों की पहुंच से हमें दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट इज डू नॉट ईट स्टेल स्पॉइल्ड और एक्सपोज्ड फूड, इट कैन कोज फूड पॉइजनिंग। हमें ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए जो स्टेल हो या फिर स्पॉइल्ड हो, एक्सपोज्ड हो, ऐसे फूड से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। पुराना खराब बिहा जो भोजन होता है उसे नहीं खाना चाहिए। पकाओ, अच्छे से पका हुआ और फ्रेश फूड ही हमें खाना चाहिए, नहीं अदरवाइज इससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है जिससे हमारा पेट दर्द करने लग जाता है। सो नाउ सेफ्टी इन प्लेग्राउंड, हमें प्लेग्राउंड में कौन कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए, लेट्स सी। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाइल प्लेइंग, हमें खेलते टाइम बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स इन प्ले ग्राउंड, डू नॉट पुश और हिट ईच अदर वाइल प्लेइंग। मान लो कि आप खेल रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि किसी के साथ धक्का मुक्की कर रहे हो, किसी को हिट कर रहे हो या फिर किसी को पुश कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। डू नॉट प्ले रफ गेम्स, एज यू कैन सी कि यहाँ पे फुटबॉल खेली जा रही है और ये ग्रीन वाले बच्चे ने ये यहाँ दूसरे बच्चे को पुश किया है, ऐसे हमें रफ गेम्स नहीं खेलनी है, ये गलत बात है। स्टे अवे फ्रॉम स्विंग व्हेन समवन इज यूजिंग देम। स्विंग्स जो होते हैं, जो ऐसे करके झूला झूलते हैं, इधर आगे पीछे होते हैं, इनको स्विंग बोलते हैं। अगर कोई ऐसे झूला ले रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि हम इन ऐसी चीज़ों से दूर रहें। डू नॉट जंप फ्रॉम सी सा व्हेन इंफॉर्मिंग योर पेरेंट, विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पेरेंट। आपको सीसा के ऊपर से भी जंप नहीं करना। सीसा हम जब ऐसे करके एक गेम होती है, एक साइड से अप होता है और दूसरी साइड से वो डाउन हो जाता है, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमें उसके ऊपर से उतरना है तो हमें अपने सामने वाले को इन्फॉर्म करना चाहिए, जब वो बैलेंस बन जाए उसका तभी उसके ऊपर से जंप करना चाहिए, अदरवाइज हमें उतरने से पहले ध्यान रखना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी कोई उठता है तो दूसरे को झटका फील होता है, जर्क लगता है या फिर गिर भी सकते हैं आप। नेक्स्ट वन इज़ सेफ्टी इन स्कूल, तो हमें स्कूल में भी बहुत सारी सेफ्टीज़ जो हैं वो रखनी चाहिए। अभी तो हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस डिजीज़ चल रही है, और अभी तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी को टच नहीं करना है, किसी के साथ हैंडशेक नहीं करना है और बाहर भी नहीं घूमना। तो ऐसी कुछ और भी सेफ्टीज़ हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। इन स्कूल मैनी एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन चिल्ड्रन आर इन हरी। बहुत सारे एक्सीडेंट्स स्कूल में इस वजह से भी होते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा हरी में होते हैं, जल्दी में होते हैं, उन सभी को ये होता है कि फटाफट चले जाएं या फिर स्कूल में इंटर हो जाएं। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स। फर्स्ट वन इज़ डू नॉट पुश ईच अदर, हमें किसी को भी एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, स्पेशली ऑन स्टेयर्स। स्टेयर्स जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं उनके ऊपर हमें किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए या फिर किसी को पुश नहीं करना चाहिए, अनबैलेंस होने की वजह से गिर भी सकते हैं। डू नॉट जंप ऑन बेंचेस, बेंचेस के ऊपर से भी कूदना नहीं चाहिए, हमें जंप नहीं करना चाहिए।
डू नॉट थ्रो थिंग्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में भी हमें कई बार ऐसा होता है कि किसी ने पेंसिल मांग ली या कोई चीज़ मांग ली तो हम फेंकने लग जाते हैं, तो ऐसा काम भी हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ सेफ्टी ऑन रोड। केयरलेस ड्राइविंग एंड केयरलेसनेस ऑन द पेडेस्ट्रियंस कॉज एक्सीडेंट्स ऑन रोड। अगर हम केयरलेसनेस यूज़ कर रहे हैं या फिर केयरलेस ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। हमें रोड के ऊपर सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। एज वी ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ के ऊपर ही चलना चाहिए। ऑलवेज यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। कई बार हम इधर उधर से निकल जाते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज फॉलो द ज़ेब्रा क्रॉस लाइन्स। वैन देर इज नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग लुक फर्स्ट टू द राइट एंड देन लेफ्ट, देन यू कैन योर राइट अगेन। वैन नो व्हीकल इज कमिंग देन क्रॉस द रोड। सुनाओ, अगर ऐसा भी होता है कि कई बार ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं हो तो हमें पहले लुक फर्स्ट टू योर राइट, पहले आपको अपने दायां हाथ जो होता है उनकी उधर की ओर देखना चाहिए, देन लेफ्ट, फिर उसके बाद लेफ्ट की ओर देखना चाहिए, देन टू राइट अगेन, फिर वापस से राइट देख के जब कोई व्हीकल नहीं आ रहा है तो हमें रोड क्रॉस कर लेना है। ये ना हो कि हमने दायां बायां देखा फिर भी हमने रोड क्रॉस करना शुरू कर दिया और उधर से गाड़ियां भी आ रही हैं, तो ये ना हो कि हमारा कोई गाड़ी आके काम तमाम कर जाए, हमें ऐसा भी नहीं करना। ओके, नेवर क्रॉस द रोड बिहाइंड अ पार्क्ड व्हीकल। अगर कोई व्हीकल पार्क करके कोई चला गया है, कोई अपनी गाड़ी पार्क करके चला गया, तो हमें उसके पीछे से भी नहीं निकलना चाहिए एकदम से उसके। हमें साफ साफ ऐसे निकलना है कि सामने वाले को हम दिख भी जाएं। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। हमें ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना चाहिए। हमें अच्छे से पता है कि थ्री ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। सबसे ऊपर रेड ट्रैफिक लाइट होती है और उसके बाद येलो वाली होती है, येलो के बाद सबसे नीचे ग्रीन वाली होती है। हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। नाउ नेवर रन और प्ले ऑन द रोड। इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो रोड्स हैं वो प्ले या फिर रनिंग करने के लिए नहीं होते हैं, वहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ चलती हैं, और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इससे भी हम जो है एक्सीडेंट्स से बच सकते हैं। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू आर केयरलेसनेस। जो एक्सीडेंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा कब होते हैं, जब हम उनकी केयर नहीं करते, हमारी अनगहली की वजह से एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, जब हम चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। ऑलवेज वॉक ऑन, हमें हमेशा चलना चाहिए फुटपाथ के ऊपर। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ ओनली। नाउ द थर्ड इज फर्स्ट एड। आई होप कि आप सभी को फर्स्ट एड के बारे में पता होगा, क्योंकि हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा है। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर डॉक्टर्स अराइवल इज कॉल्ड फर्स्ट एड। सो स्टूडेंट्स, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत। इंजर्ड पर्सन जो जख्मी हो। डॉक्टर्स अराइवल का मतलब होता है कि डॉक्टर के आने से पहले। दैट मीन्स हमें तुरंत हेल्प करनी चाहिए जख्मी पर्सन को डॉक्टर के आने से पहले। उस हेल्प को हम बोलते हैं फर्स्ट एड, उसे हम बोलेंगे फर्स्ट एड। ये एक हेल्प होती है इंजर्ड पर्सन की जिसे चोट लगी होती है डॉक्टर के आने से पहले। सो फर्स्ट एड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आर एवरीडे लाइफ। हमारी रोजाना जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है ये। एट होम, स्कूल और प्लेग्राउंड, ये चाहे कहीं भी हो, हम चाहे स्कूल में हो, चाहे होम घर पे हो, चाहे प्लेग्राउंड में हो, वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एवरीवन शुड लर्न अबाउट फर्स्ट एड। सब हर एक को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड। डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज का मतलब ये है कि चोट जो है वो सभी को एक तरह से नहीं लगती, डिफरेंट डिफरेंट
इंजरीज होती हैं, जैसे मान लो किसी का कट लग गया, किसी का हाथ जल गया, या फिर किसी का खून निकल रहा है, किसी को सांप ने काट लिया, तो ये सभी जो इंजरीज हैं ये सभी डिफरेंट है, और इन सभी का ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगा, इनकी जो फर्स्ट एड है वो भी डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं होता कि अगर आपको मान लो सांप ने काट लिया, मतलब किसी को अगर सांप ने काटा है तो हम उनको दवाई लगा रहे हैं वहाँ पे, या फिर हम वहाँ पे बैंडेज लगा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना। दी इंजर्ड पर्सन शुड बी टेकन टू द डॉक्टर आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड, और हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट एड देने के बाद भी हमें उस पर्सन को डॉक्टर के पास लेके जाना है, ये नहीं कि अभी बस हो गया तो डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट एड टिप्स, तो अभी कुछ टिप्स हैं वो कौन कौन से हैं, फॉर कट्स एंड बाउंड्स, कट और अगर बाउंड लग जाए तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर किसी के कट लगता है या फिर जख्म हो जाता है, वॉश योर हैंड्स थ्रोली बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन, तो हमें पहले तो अपने हाथ जो हैं वो अच्छे से धोने चाहिए जब हम किसी इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड देने जा रहे हों। सेकंड इज फॉर द डीप कट, फर्स्ट रिमूव द डर्ट फ्रॉम द बाउंड, डर्ट का मतलब है कि वहाँ पे जो धूल वगैरह हो सबसे पहले रिमूव करना चाहिए, उसे हटाना चाहिए, बाउंड मतलब जख्म के ऊपर से हमें डस्ट वगैरह हटानी चाहिए, डर्ट जो पड़ी होती है उसे क्लीन करना चाहिए।